हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग किताब। मैं हूँ सुष्मिता। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड यमी दाल की रेसिपी, जो कि आप ये ना छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक खिला सकते हो और बहुत ही जल्दी और बहुत कम चीज़ों में बन जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना वेट करे रेसिपी शुरू करते हैं। एक कुकर ले लीजिए और उसमें आपको कितना चाहिए उसके क्वांटिटी के हिसाब से आप दाल इसमें डाल दीजिए और उसे अभी पानी ऐड करके अच्छे से धो दीजिए। ये देखिए, इस तरह से क्लीन वॉश कर लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको कितना गाढ़ा चाहिए या कितना पतला चाहिए उसके हिसाब से पानी डाल देना है। मैं थोड़ा सा कम ही पानी लूँगी। ये देखिए, दो हरी मिर्ची और कोतमीर के पत्ते, ये देखिए करी लीव्स। आप ना अगर छोटे बच्चों के लिए ये बना रहे हो तो हरी मिर्ची स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं कम पानी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमें अगर बाद में चाहिए तो हम थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया है। अभी मैं ना ढक्कन लगा दूँगी, 4 सीटी होने तक का वेट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सीटी होने के बाद में जैसे ही ठंडा हो जाता है थोड़ा सा कुकर, मैंने इसे इस तरह घोट लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से गल चुकी है दाल। ये थोड़ी सी गाढ़ी है, आप चाहे तो इसमें गर्म पानी करके ऐड कर सकते हो या नहीं तो फिर आप नॉर्मल वाटर भी इसमें डाल के थोड़ा सा दाल को गर्म कर सकते हो, या नहीं आपको ज़्यादा समय नहीं चाहिए गर्म करने तक का तो आप ना गर्म पानी करके इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने इसमें गर्म पानी ऐड कर दिया है। आपको कितना पतला चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे इतना ही क्वांटिटी चाहिए था, मैंने इतना ही पतला इसको बना लिया है। अभी मैं क्या करूँगी, गैस पे एक दूसरा पैन रख दूँगी और ना इसको ना तड़का देंगे। अभी हम तड़का भी ना बहुत ही सिंपल करने वाले हैं, हम कोई भी ज़्यादा चीज़ों से नहीं, घर में नॉर्मल चीज़ों से बनता है ना उसी तरह से। आप ये ना ज़ीरा राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं ना तो उनको बिना हरी मिर्च डाले हुए आप बनाकर खिला सकते हो। मैं अपने खुद के बच्चों को भी खिलाती हूँ तो आप आराम से खिला सकते हो इसे। एक बार पहले खिला कर देखिए, अगर उन्हें कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम हो रहा है तो मत खिलाइए, नहीं तो आप आराम से खिला सकते हो। मेरे पास बेबी 14 मंथ्स का बच्चा है तो मैं उसे खिलाती हूँ, 3 साल के बच्चे को भी खिलाती हूँ। ये देखिए, राई जीरा और करी लीव्स डाल दिया है मैंने। जैसे ही चटपट होते हैं मैं इसमें ना दाल को इसमें ऐड कर दूँगी और इस तरह से मिला देना है। बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, आप ये जल्दी भी बना सकते हो। अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दूँगी ताकि और भी इसका टेस्ट बढ़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।